दोस्तों आज लेके आ गए बहुत ही कमाल की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स को लेके। और दोस्तों ये इस ईयर का लास्ट वीक शुरू हो चुका है आज, और इस लास्ट वीक की पहली न्यूज अपडेट्स को लेके मैं आपके सामने आ चुका हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के अपडेट्स को जल्दी से। और दोस्तों आपको बता दूं, आज जो अपडेट्स आए हैं सबसे पहले आपको बता दूं, Xiaomi और Realme से काफी सारे अपडेट्स हैं। तो Xiaomi का ही सबसे पहला अपडेट बता देता हूं आपको, Xiaomi 11i हाइपर चार्जर। दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है, ये इंडिया में आने वाला है, आपको पहले भी बता चुका हूं। 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग होगी। और दोस्तों इसी के साथ में आज ये कंफर्म हो चुका है कि इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो 1200 हर्ट्ज तक जाएगी, तो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है ये फोन। और दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले होगी वो 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी। दोस्तों दोनों चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। आज एक छोटा सा टीजर सा निकल के आया था पिक्चर में, आप देख सकते हो। और दोस्तों फाइनली आज टेक्नो की तरफ से उनका पहला 5G फोन, टेक्नो पोवा 5G, दोस्तों ये लॉन्च कर दिया गया उनका नाइजीरिया में। दोस्तों नाइजीरिया के हिसाब से अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो इंडिया में प्राइस पड़ता है 23,500 रुपीज। दोस्तों मैं कहूंगा काफी सही प्राइस रखा गया है। वैसे अगर मैं बताऊं इसके प्रोसेसर के बारे में तो ये आता है मीडियाटेक डोमेस्टी 900 के ऊपर, तो प्रोसेसर बहुत सही है दोस्तों। और अगर बात करूं इसके ऊपर एंड्रॉयड की तो ये एंड्रॉयड 11 के ऊपर रन होगा। इसके अंदर आपको मिलेगा हाई ओएस 8.0 और दोस्तों इसके अंदर आपको 6.95 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। दोस्तों ओवरऑल पैकेज दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर है, 50 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप बैक साइड में और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में। दोस्तों आप बताइए आपके हिसाब से अगर ये टेक्नो का फोन इंडिया में आता है तो थोड़ा और सस्ता होगा या महंगा होगा। और दोस्तों अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप जो है दोस्तों दो तीन नए फीचर्स लेके आने वाला है। दोस्तों अभी जो है ये टेस्टिंग स्टेज के ऊपर है और जो iOS यूजर्स हैं शायद उनके लिए पहले आ जाएंगे, एंड्रॉइड यूजर के लिए थोड़ा सा शायद बाद में आए। और दोस्तों इसमें सबसे पहला अपडेट ये कर रहे हैं कि जो आपको कॉन्टेक्ट की इन्फो शो होती है उसमें चेंजेस हो जाएंगे, उसको जो शो होने का आपको तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। शायद एंड्रॉइड यूजर के लिए ना चेंज हो पर iOS यूजर के लिए चेंज हो जाएगा। और दोस्तों दूसरी चीज वो ये करने वाले हैं कि आपको व्हाट्सएप के अंदर ही जब आप सर्च करते हो कोई कॉन्टेक्ट को, उसी तरीके से आप किसी भी बिजनेस को जो नियर बाय आपके बिजनेस है उनको भी सर्च कर पाओगे, ताकि आप उनको पेमेंट्स वगैरह कर पाओ या जो भी है तो ऑर्डर वगैरह भी कर पाओगे। तो दोस्तों काफी जबरदस्त सा फीचर लेके आ रहे हैं, मतलब नियर बाय लोकेशन में जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं जो कि बिजनेस भी रन करते हैं उनके बिजनेस भी आप शो हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों ये बहुत सही फीचर है, देखते हैं दोस्तों कि कब तक आते हैं, क्योंकि अभी ये US वगैरह में कहीं ना कहीं टेस्टिंग स्टेज पे चल रहे हैं। और दोस्तों फाइनली आज OnePlus 10 Pro चाइना में उनकी जो दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। 4 जनवरी को ये फोन लॉन्च होने वाला है और देखते हैं दोस्तों कि क्या सामने निकल के आता है। वैसे हम सबको पता है कि 8 Gen 1 के ऊपर आने वाला है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो 4 जनवरी है उस दिन आपको OnePlus 10 Pro देखने को मिलेगा, मतलब चाइना में लॉन्च होगा, और जो OnePlus 10 है वो थोड़ा सा शायद एक दो दिन बाद लॉन्च हो। दोस्तों हो सकता है दो अलग अलग लॉन्च इवेंट को परफॉर्म कर दे। और दोस्तों रियलमी की बात करते हैं, रियलमी GT 2 सीरीज, दोस्तों इसके अंदर एक नहीं आज कन्फर्म हो चुका है दो फोन आने वाले हैं, रियलमी GT 2 और रियलमी GT 2 प्रो। दोस्तों जो रियलमी GT 2 प्रो है उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पता है, आपको फिर भी बताता हूं। इसके अंदर आपको मिलेगी 2K डिस्प्ले जो कि होगी LTPO डिस्प्ले, और दोस्तों ये E4 के ऊपर आएगी, E5 नहीं है, थोड़ा लेटेस्ट से थोड़ा सा कम है पर फिर भी काफी अच्छा फोन है। अगर मैं बात करूं रियलमी GT 2 की, दोस्तों ये फोन आने वाला है 888 प्रोसेसर के ऊपर, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888। दोस्तों ये भी फोन काफी पावरफुल होने वाला है, पर रियलमी GT 2 प्रो जो है वो 8 Gen 1 के ऊपर होगा, तो सभी लोग एक्साइटेड होंगे उसके लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल फोन होने वाला है। और दोस्तों आज जो है Xiaomi ने MIUI 13 की लॉन्च डेट भी बता दी है, कंफर्म कर दी है, चाइना में लॉन्च होगा 28 दिसंबर को। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस बार जो 13 आएगा वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं। इसके अंदर एक कह लीजिए आप शील्ड टाइप लगा देंगे वो, जिससे आपकी प्राइवेसी जो है वो बढ़ जाएगी। पर दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये एक्सक्लूसिवली है फॉर चाइना। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि शायद प्राइवेसी वाले फीचर जो MIUI 13 वाले होंगे वो इंडिया या ग्लोबली नहीं आएंगे। अब दोस्तों ये मुझे आइडिया नहीं कि ये बाद में डिसीजन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, पर अभी यही निकल के आया है कि इसके अंदर जो भी शील्ड्स वगैरह हैं, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है, वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए ही लिमिटेड रहे। और दोस्तों आप बता दूं Xiaomi 12 प्रो, दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि 8 जेन 1 के ऊपर होगा, और ये वाला फोन जो है सबसे बड़ा फोन होने वाला है, 6.7 इंच की डिस्प्ले के साथ में आने वाला है। और Xiaomi 12 भी कंफर्म हो चुका है, इसके अंदर आपको 6.28 इंच की एक डिस्प्ले मिलने वाली है। दोस्तों यानी कि वो बहुत ही कंपेटेबल या एक हैंडी फोन कहूंगा तो वो आने वाला है। और दोस्तों ये जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च होंगे,
तो देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं हम फायरबोल्ट आरबीटी की, जो कि आज स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है इंडिया में। दोस्तों ये काफी अच्छी स्मार्ट वॉच लगी मुझे। इसके अंदर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और दोस्तों इसके अंदर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है। SPO2 का सपोर्ट है, हार्ट रेट्स वगैरह को रजिस्टर कर सकते हो आप, मतलब शो हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको 11 सपोर्ट मोड्स भी मिल जाते हैं, 10 डेज की बैटरी लाइफ है। और दोस्तों ये जो है ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है। दोस्तों काफी अच्छे फीचर्स वगैरह हैं इसके अंदर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो ये वाली जो वॉच है इसका प्राइस पड़ता है आपको 14999 का। पर दोस्तों आपको बता दूं ये वॉच जो है एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के ऊपर आएगी और वहां पर इसका प्राइस लिस्ट शो हो रहा है 4999 रुपीज का, यानी कि सीधा सीधा 10,000 रुपीज का डिस्काउंट। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जैसे ही सेल पे जाएगी आपको 10,000 रुपीज इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों ये उन्होंने नहीं बताया कि कब तक ये मिलेगा, उन्होंने कहा है कि एक्सक्लूसिव प्राइस रहेगा 4999 का, और बाद में जो है कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद इसका जो प्राइस है वापस से 14999 का हो जाएगा। दोस्तों जो भी लोग फायरबोल्ट की स्मार्टवॉच वगैरह लेना चाहते हैं या वेट में थे कि इनकी नहीं आएगी और हमें मिलेगी, दोस्तों आ चुकी है आज। आप लोग बुक कर लिए, जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है अभी, तो बाद में फिर बढ़ जाएगा। और दोस्तों शाओमी की तरफ से एक और अपडेट दे दूं आपको, निकल के आ गया उनके TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स। दोस्तों ये 3 ये वहां पे लॉन्च होने वाले हैं विद हाईफाई। दोस्तों साउंड है ये बेसिकली हाईफाई साउंड, काफी ज्यादा जबरदस्त साउंड होता है। और दोस्तों साथ में ही उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उनकी वॉच S1 भी लॉन्च होने वाली है 28 दिसंबर को ही। दोस्तों आपको कहूं शाओमी 12 सीरीज, उनकी वॉच, उनके ईयर TWS और साथ में MIUI 13, बहुत सारी चीजें लॉन्च करने वाले हैं और कल ये सारा लॉन्च इवेंट वहां पर होगा चाइना में। बाकी देखते हैं दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आज का, दोस्तों DOT यानी कि डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दोस्तों इन्होंने आज कह दिया है कि ये इंडिया के 13 मेट्रो सिटीज के अंदर 5G रोल आउट करेंगे 2022 के अंदर, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। दोस्तों अगर मैं आपको नाम बताऊं इनके, तो इनके अंदर आपको मिल जाएगी जो 5G सर्विस है वो मिलेगी सबसे पहले गुरुग्राम में, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दोस्तों चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और साथ में लखनऊ, पुणे और गांधीनगर। तो दोस्तों ये 13 मेट्रो सिटीज हैं जहां पर सबसे पहले 5G रोल आउट होगा और उन्होंने कहा है कि बस 2022 में वो रोल आउट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत देर से काम चल रहा है और बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने काम किया है और इसके जो है बैंड वगैरह भी सामने निकल के आए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि कंपनीज के हिसाब से कौन सा बैंड बेसिकली लेते हैं। उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होंगे, लो फ्रीक्वेंसी, हाई और एक मीडियम वाला होगा। तो लो में जो है आपको स्पीड मिलेगी 100 MB/s की, जो मीडियम वाला होगा उसमें उससे तो ज्यादा मिलेगी लो वाले से, पर उसका जो एरिया वाइड होगा, जो एरिया रेंज होगी वो थोड़ी कम होगी। लेकिन जो सबसे हाई वाला 5G होगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और दोस्तों उसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 20 GB तक जाएगी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीड है मेरे हिसाब से पर सेकंड के। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 4G के मुकाबले में, तो 4G में मैक्सिमम स्पीड जाती है 1 GB/s, दोस्तों उससे 20 टाइम्स ज्यादा फास्टर है 5G। तो दोस्तों देखते हैं जैसे ये रोल आउट होगा और लोगों को मिलना शुरू होगा आपको हम अपडेट पहले देंगे। और दोस्तों रियलमी ने आज एक कंफर्म कर दिया उनके डीजो वॉच आर ये लॉन्च होगी और साथ में ही उनके दोस्तों TWS बर्ड्स जेड प्रो दोस्तों ये भी लॉन्च होने वाले हैं 5 जनवरी को इंडिया में। दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली क्या निकल के आता है और क्या क्या लॉन्च करने वाला है रियलमी, क्योंकि इनके बहुत सारे लॉन्च इवेंट्स हैं, शाओमी के बहुत सारे लॉन्च इवेंट्स हैं और भी दोस्तों बहुत सारे लॉन्च इवेंट्स हैं, देखते हैं। और दोस्तों अगला अपडेट बता दूं निकल के आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और दोस्तों आज एक ही न्यूज निकल के आई है, आज न्यूज ही नहीं आई वहां से। और दोस्तों आपको बता दूं सुजुकी की Jimny 5, दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको ये आ रही है इंडिया में और ये जल्दी ही आ सकती है। उन्होंने कंफर्म कर दिया इसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा इंडिया के हिसाब से, जो भी इंडिया में आएगी, और ये 5 डोर वाली है तो इसमें आपको 5 दरवाजे मिलेंगे दोस्तों, मतलब बैक साइड को मिला के वो मिला रहे हैं। और दोस्तों ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल और बढ़िया गाड़ी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ में हो सकता है वो शायद 3 डोर वाली भी लॉन्च कर दे। तो दोस्तों एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि क्या निकल के आता है, 2 लॉन्च होती है, एक ही लॉन्च होती है, पर Jimny कंफर्म हो चुकी है आज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे और मुझे लगता है दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हुई नहीं, अच्छी बात है सारे अपडेट्स जल्दी जल्दी कवर हो गए। पर दोस्तों आज के लास्ट हफ्ते की पहली अपडेट्स यहीं पे होते हैं।
तो दोस्तों गिव अवे भी चल रहा है, पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और दोस्तों अगले वीक के लिए या अगले ईयर के लिए जो भी हमारा हैशटैग आपके क्यों ना क्यों एपिसोड आएगा उसके लिए आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। आपके माइंड में क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, पूछिएगा जरूर। सो दोस्तों आज के एपिसोड को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।